चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल वाला आइकन दबाइए हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं टेक्निकल भारत प्रोडक्शन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बारकोड का इस्तेमाल क्या है? पहले तो आप मॉल में जाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड है और हर एक प्रोडक्ट का अलग बारकोड है ताकि मशीन आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये जो बारकोड स्कैनर होता है ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए, बारकोड रीडर से इसको स्कैन कीजिए तो वो आपका मोबाइल फोन आपको बता देगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, बिना उसका नाम टाइप किए डाल कुछ भी। तो इससे यही पता चलता है कि हर एक प्रोडक्ट का बारकोड अलग होता है। और मॉल्स में जब आप चीजें खरीदने जाते हैं तो देखा होगा आपने, जब आप चेक इन कराते हैं तो आपने सामान खरीद लिए तो आप जाते हैं वहां और सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, वो बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं, उसका प्राइस उनके कंप्यूटर में आ जाता है। तो वो सब चीज के नाम तो नहीं देखते रहते हैं, उनको तो सिर्फ बारकोड से मतलब होता है। हर एक प्रोडक्ट का अलग बारकोड होता है और उस बारकोड का एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, कुछ रेट होता है उसका। वो अपने आप कंप्यूटर में एड होता चला जाता है जिससे कंप्यूटर अपने आप प्लस करता जाता है अमाउंट और आपका फाइनल अमाउंट जो आपको पे करना है वो मिल जाता है आपको। आप पे करते हैं, सामान लेके निकल लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। ये जो खरीद बिक्री की चीजें हैं इनमें बारकोड ज्यादा यूज होता है मोस्टली। और ये जो QR कोड है ये लिंक्स, URL और इंटरनेट पे डिजिटली ज्यादा यूज होता है। तो बस थोड़ा सा फर्क है इनमें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपने देखा होगा कि जब आप स्पीड पोस्ट करते हैं, आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको एक स्टिकर चिपका मिलता है, उस स्टिकर पे बार कोड होता है, उसे स्कैन करते हैं, वो सारे इनपुट मशीन में चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।